चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, डाइल्यूशन का इफेक्ट देख लेते हैं कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर। होता क्या है, डाइल्यूशन का मतलब एक तरीके से हम वॉल्यूम से समझ सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, पानी का वॉल्यूम बढ़ा देंगे, एक तरीके से हम पानी मिला देंगे, सीधा सीधा ये फंडा है। तो डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखो, डाइल्यूशन करने पर मतलब वॉल्यूम बढ़ाने पर, ठीक है, या कॉन्सेंट्रेशन को कम करने पर, दोनों चीजें आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। वॉल्यूम बढ़ाने या कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी क्या, के कप्पा, ठीक है। तो जो कंडक्टिविटी है के, वो डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी एक्चुअल में डिफाइन किसके लिए करते थे, एक सेंटीमीटर सेपरेशन लेंथ होना चाहिए, दो इलेक्ट्रोड एक सेंटीमीटर पर रखे होने चाहिए और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक तरीके से 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम को वॉल्यूम है, उतने पार्ट में नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो तो कम होंगे ना। देखो सीधी सी बात है, डाइल्यूशन करने पर आयन बनेंगे, सही बात है, लेकिन डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा। मतलब मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि मोल अपॉन वॉल्यूम में वॉल्यूम डोमिनेटिंग होगा कंपेरिजन टू मोल्स जो आयन के बन रहे हैं। इसका मतलब कंडक्टिविटी ओवरऑल क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि कंडक्टिविटी को हम डिफाइन क्या करते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर सेपरेशन लेंथ होनी चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ आयन तो बढ़ते हैं, साथ में वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से ओवरऑल जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट हम लिखें, दूसरा पॉइंट ये कि वॉल्यूम बढ़ाने या कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर, मतलब डाइल्यूशन करने पर जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, तो मोलर कंडक्टिविटी जो होता है लैम्डा एम, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है। अब ध्यान देना, यहां पर कंडक्टिविटी तो कम होती है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर तो कोई स्पेसिफिक चीज तो है नहीं ना। मोलर कंडक्टिविटी में तो एरिया बहुत सारा लेते हो, इतना लेते हो कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन उसमें आ जाता है, हमने डिफाइन भी किया पीछे, है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब नंबर ऑफ आयंस मतलब नंबर ऑफ मोल बढ़ने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा ही सेम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ है, वॉल्यूम बढ़ाने या कॉन्सेंट्रेशन को कम करने पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये भी बढ़ती है लैम्डा इक्यू, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बढ़ेंगे अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो, है ना। तो ये बहुत ध्यान से लिखना इसको, क्या कि वॉल्यूम या डाइल्यूशन करने पर, एक लाइन में बोल रहा हूं फिर से, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बट मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस इफेक्टिव कम हो जाते हैं, वॉल्यूम ज्यादा डोमिनेट करता है। और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम इसी को कनेक्ट करते हैं, हम देखना ध्यान से, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम एंड रूट सी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन होता है। एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी, डिवाई इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये ध्यान रखो यहां पर ये क्या क्या चीज है, लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी, और ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोर इफेक्टिव होती इक्वेशन, है ना। लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी, ठीक है, लैम्डा एम नॉट, या कभी कभी यहां लैम्डा एम इंफिनिटी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नॉट का मतलब क्या है, यहां मैं बोलूंगा सी टेंड्स टू जीरो, और इन्फिनिटी का मतलब क्या है, यहां बोलूंगा वी टेंड्स टू इनफाइनाइट। मतलब मैं इसको इस तरीके से ही बोल सकता हूं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन, इस तरीके से बोलो। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। अब ए क्या है, यहां पर ए के बारे में लिख रहा हूं, इधर जो ए है वो कॉन्स्टेंट होता है, डिवाई कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको, और ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। और हर एक टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए ए अलग अलग होता है, जैसे NaCl इसको बोलते हैं अपन 1-1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, CaCl2 बोलते हैं 2-1 टाइप। ये 1-1 और 2-1 कैसे आया, चार्ज से आया। NaCl में Na पर कितना चार्ज है, +1, Cl पे कितना, -1, तो 1-1 टाइप बोल दिया। CaCl2 को 2-1 टाइप क्यों बोला, Ca पे कितना चार्ज है, 2+2 हो गया, और Cl पे कितना चार्ज है, -1, तो 2:1, इस तरीके से, है ना। और ये जो सी है, सी क्या हो गया आपका, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये होती है इसमें सारी चीजें।
अब इसका एक ग्राफ भी होता है, हम क्या करते हैं वेरिएशन जो अपन ने लिखा ना लैम्डा एम और रूट सी का, इस ग्राफ को बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन कर्व। ठीक है, तो ध्यान से देखना कैसा ग्राफ होता है। अगर मैं इस तरीके से इसका ग्राफ बनाऊं, ये है अपने पास रूट सी और ये है मेरे पास लैम्डा एम, तो दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से देखना, एक ग्राफ बनाया मैंने इसका, ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और एक ग्राफ बना रहा हूं मैं ऐसा, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और हम ग्राफ इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन है, तो इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। हम इस ग्राफ को ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा ना, मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा होगा। तो अगर ग्राफ को हम उल्टा पढ़ें तो डाइल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब हम इसको ऐसे देखेंगे कि यहां से स्टार्ट हुआ चलना ग्राफ और ऐसे जा रहा है, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो अब जरा ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऊपर क्यों है और वीक का नीचे क्यों है, जब यहां पर है हम, तो यहां होता क्या है, जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, पहले आप ये बता दो मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसकी ज्यादा होती है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग की ज्यादा होती है ना, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा देंगे, वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जबकि वीक की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो कम है ना स्ट्रॉन्ग से, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी स्टार्टिंग में कम होगी। लेकिन आप देखो जरा ध्यान से, जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन करते जा रहे हैं या कॉन्सेंट्रेशन कम करते जा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ाना का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन कम करना, ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। और ध्यान से देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ तो कहीं कट ही नहीं कर रहा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कट कर रहा है, तो जहां पर कट कर रहा है ये वाली वैल्यू कहां पर है, इस जगह है ना, तो यहां मैं क्या बोल सकता हूं, इस जगह बोल सकता हूं सी टेंस टू जीरो या वी टेंस टू इनफाइनाइट, मतलब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब इतना ज्यादा कर दिया कि आयंस का सेपरेशन होने लगा, जो इलेक्ट्रोलाइट था उसमें आयंस का सेपरेशन होने लगा और आयन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो पूरे तरीके से सेपरेट हो चुके हैं, उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है, ध्यान से समझो। और अब देखो जरा वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, इसके लिए कभी लिमिटिंग वैल्यू आई नहीं रही है, कैसे आ सकती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% थोड़ी है, तो ये हमेशा पूरी तरीके से टूटेगा ही नहीं, आप कितना भी डाइल्यूशन कर लो नंबर ऑफ आयन तो बनते ही रहेंगे ना, और बनते रहेंगे मतलब नंबर ऑफ आयन बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, यहां कट पॉइंट मिलता है, वीक में क्या होता है, कट पॉइंट नहीं मिलता है, मतलब मैं एक लाइन में यह बोल सकता हूं कि इस ग्राफ से, इस एक्सट्रापोलेशन कर्व से, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी से, आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते, जबकि स्ट्रॉन्ग के लिए निकाल सकते हैं। इसको मैं यहां पर लिख भी देता हूं, इसको बोल रहा हूं कर्व नंबर वन और इसको टू, तो ये वन किसके लिए है, वन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ध्यान से लिखना इस पॉइंट को, और सेकंड किसके लिए है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट, ठीक है। और ये ग्राफ आप लैम्डा एम नॉट, मतलब लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का तो है, साथ ही साथ इसको चेंज करके लैम्डा ईक्यू वर्सेस रूट सी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो लैम्डा एम से समझा रहा हूं, वो भी सेम ही है। यहां लिखेंगे वी कैन नॉट कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट, मतलब आप लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकाल सकते, किसके लिए, वीक के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए निकाल सकते हो। एक बार फाइनल कंक्लूजन फिर से दे रहा हूं, लैम्डा एम और रूट सी का, चलो स्टार्टिंग से एक बार फिर से बता देता हूं, वॉल्यूम बढ़ाने पर आप इधर देखते जाओ, मैं बोलते जा रहा हूं, वॉल्यूम बढ़ाने पर कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब होता है डाइल्यूशन बढ़ाना, ठीक है, डाइल्यूशन करना, तो डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्यों डिक्रीज होती है, डाइल्यूशन पर नंबर ऑफ आयन तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वॉल्यूम बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि ये जो कंडक्टिविटी है उसके लिए जो सेपरेशन लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर, मतलब जो इलेक्ट्रोड है वो 1 सेंटीमीटर पर रखी होनी चाहिए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, मतलब एक तरीके से आप 1 सेंटीमीटर क्यूब के जगह उस पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ आयंस देख रहे हो, उसकी वजह से कंडक्टिविटी देख रहे हो, तो ऑब्वियसली वो तो कम होगी ना, डाइल्यूशन बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम तो कम हो जाएंगे ना। दूसरी बात ये कि मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि आप डाइल्यूशन जब करते हो तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कोई फिक्स नहीं है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना है, आप तो एरिया कुछ भी ले सकते हो ना, लेकिन आपको इतना लेना है कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन उसमें आ जाए, ठीक है, समझ गए बात को, तो ये मैंने दोनों पॉइंट समझा दिए। अब वेरिएशन देख लो, डिवाइड इक्वेशन क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी,
जो सी है वो कॉन्सेंट्रेशन, एक कॉन्स्टेंट डिवाई कॉन्स्टेंट बोलते हैं, लैम्डा एम नॉट लिखो या इन्फिनिटी लिखो, ये क्या होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐसा बोलते हैं, और लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी। अब लैम्डा एम और रूट सी का ग्राफ हमने बनाया, दो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट लिए, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, स्ट्रॉन्ग वाले की कंडक्टिविटी शुरू में ज्यादा होगी क्योंकि डीओडी ज्यादा है, वीक की कम होगी क्योंकि डीओडी कम है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की तो ज्यादा ही होती है ना। अब क्या होगा, इस तरफ आना है आपको ग्राफ में, ऐसे आओगे तो डाइल्यूशन कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, मतलब डाइल्यूशन हो रहा है, तो डाइल्यूशन करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयन सेपरेट होते जाएंगे, और यहां पर क्या होगा दोनों आयन ऐसे सेपरेट हो जाएंगे कि एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो चुका होगा। तो उस समय आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, लैम्डा एम नॉट, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व से आप लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट कर सकते हो, एक्स्ट्रापोलेशन कर्व नाम है इसका। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता क्या है, पहले ग्राफ नीचे होता है लेकिन जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाते हो और जब आप मैक्सिमम डाइल्यूशन पर पहुंचने वाले होते हो उस समय कंडक्टिविटी एकदम से बढ़ जाती है, लेकिन कभी कट पॉइंट नहीं मिलता है इस वाली एक्सिस पर, इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप कभी भी लैम्डा एम नॉट नहीं निकाल सकते हो। इसी प्रॉब्लम को दूर किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉलरॉस, ठीक है, तो आगे अपने पास आने वाला है कॉलरॉस लॉ, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो जैसा कि हमने देख लिया लैम्डा एम और रूट सी के कर्व से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हो, इस प्रॉब्लम को कॉलरॉस ने दूर किया था, तो कॉलरॉस लॉ लिख लेते हैं। देखो ये सभी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट में लग जाता है, वीक के लिए तो लगता है, स्ट्रॉन्ग में भी लगता है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से लिखना, डेफिनेशन ये है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ आयनिक मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ आयन्स। अब आयन्स क्या होते हैं, कैटायन और एनायन, मल्टीप्लाई विद द रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट। अब इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखना, जैसे सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है ए एक्स बी वाई, इसको तोड़ो कैसे टूटेगा ये, एक्स ए वाई प्लस, ठीक है, ऊपर लगा देता हूं चार्ज, एक्स ए वाई प्लस प्लस वाई बी एक्स माइनस, इसी तरीके से ब्रेक करते हो आप इलेक्ट्रोलाइट को, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं कि लैम्डा एम नॉट किसका, ए एक्स बी वाई का। देखो इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूरा लैम्डा नहीं लिखते, ऐसा लैम्डा लिखते हैं, ठीक है, आयन्स के लिए पूरा लैम्डा लिखते हैं, ठीक है, तो लैम्डा एम नॉट ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू, उसके रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो आयन के, लैम्डा एम नॉट ए वाई प्लस प्लस वाई इंटू लैम्डा एम नॉट बी एक्स माइनस, इस तरीके से हम लिखेंगे। लिखना बहुत इजी है, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल से आपको लिख के बता रहा हूं, पहले ये समझ लो कि ये क्या है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी है, इलेक्ट्रोलाइट की है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, आयन की है, तो आयन में पूरा लैम्डा लिखते हैं और एक्स बी वाई वाले में इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऊपर से इसका सर उड़ा दो तो ऐसा वाला लैम्डा लिखते हैं ना। तो आप ध्यान से देखना, कुछ एग्जांपल के लिए लिख के बता रहा हूं, मुझे लिखना है एनएसीएल के लिए, तो लैम्डा एम नॉट एनएसीएल इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, लैम्डा एम नॉट एनए प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट सीएल माइनस, क्योंकि इनका कोफिशिएंट तो 1:1 ही है ना। इसी तरीके से मुझे मान लो लिखना है लैम्डा एम नॉट एम जी सी एल टू, तो बताओ क्या लिखेंगे, लैम्डा एम नॉट इसमें क्या आयन है, एम जी टू प्लस, ठीक है, और सी एल के कितने आयन है, 2, तो लैम्डा एम नॉट सी एल माइनस, बहुत आसान है लिखना। जैसे मान लो आपको लिखना है लैम्डा एम नॉट सी एच थ्री सी ओ एच, तो क्या लिखेंगे देखना, लैम्डा एम नॉट सी एच थ्री सी ओ माइनस, और एक ही है आयन, और प्लस क्या आएगा, लैम्डा एम नॉट एच प्लस, तो बहुत आसान है लिखना। एक और लिख के बता दूं, बहुत सिंपल है, देखो लैम्डा एम नॉट सी ए थ्री पी ओ फोर होल ट्वाइस, ध्यान से देखना सी ए टू प्लस कितने हैं, 3, तो 3 इंटू लैम्डा एम नॉट सी ए टू प्लस,
और प्लस 2 इंटू लैम्डा एम नॉट क्या पीओ फोर थ्री माइनस, और ये सब आयनिक कंडक्टिविटीज आपको पहले से निकाल के दे दी गई हैं, तो वो आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी। तो ये वैल्यू दी जाएंगी, आप यहां पे पुट करो, सिंपल है बिल्कुल आंसर निकालना, बस ये लिखना सीख लो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई, मोलर कंडक्टिविटी की। अगर मैं इसी को आयनिक कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखूं, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो इसका स्टेटमेंट नंबर 2 ये लिख रहा हूं कि द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज। अब यहां कोई कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, यहां कोफिशिएंट से मतलब नहीं है। मान लो मुझे इसका लिखना होता लैम्डा ई क्यू नॉट, बहुत ध्यान से देखना, Ca3PO4 होल ट्वाइस, तो हम क्या लिखते लैम्डा ई क्यू नॉट Ca2+, सिर्फ और सिर्फ आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को ऐड करेंगे। सभी लोग यहां ध्यान देंगे, यहां मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसा नहीं कि आप 3 से मल्टीप्लाई 2 से कर दो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कोफिशिएंट का कोई मतलब नहीं होता है, बहुत ध्यान से नोट करेंगे। ये मोलर कंडक्टिविटी लिखोगे तो रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में नहीं करना है, सीधा सीधा ऐड करो। मान लो इसका लिखना होता तो हम यहां 2 नहीं लिखते, हम क्या लिखते लैम्डा इक्यू नॉट Mg2++ लैम्डा इक्यू नॉट Cn-2, नहीं आता उसमें, बहुत ध्यान से, है ना। तो इस तरीके से हम लिखते हैं कॉलोस लॉ, नोट करो, फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको करके बता रहा हूं। चलो अब इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लो, बहुत आसान होते हैं न्यूमेरिकल करना, बहुत ध्यान से देखना क्या निकालना है। लैम्डा एम नॉट निकालना है कैल्सियम सल्फेट का, और आपको लैम्डा एम नॉट दे रखा है किसका, आयंस का, इनके, और साथ साथ ये भी पूछा है कि लैम्डा इक्यू नॉट निकालो। तो पहले हम लैम्डा एम नॉट निकालेंगे फिर लैम्डा इक्यू नॉट निकालेंगे, कैसे निकालना है लैम्डा एम नॉट लिख के बता दो फटाफट से, कैसे लिखते थे CaSO4 का, ये लिखेंगे Ca2+ और SO4 2-, बस इसमें एक एक ही है इसके जो कॉफिशेंट है, तो मैं लिख रहा हूं लैम्डा एम नॉट Ca2+ और प्लस लैम्डा एम नॉट SO4 2-, इस तरीके से लिख सकता हूं, बहुत सिंपल है, कॉफिशेंट तो 1-1 ही है। लैम्डा एम नॉट Ca2+ का कितना है 119 और ये कितना है 160, ऐड कर दो ये कितना आ जाएगा 972 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब एक बार बता लैम्डा एम नॉट आ गया तो लैम्डा इक्यू नॉट और लैम्डा एम नॉट का क्या रिलेशन हुआ करता था, लैम्डा इक्यू नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, यही था। तो लैम्डा एम नॉट आ गया कितना 279 अपॉन, इसका एन फैक्टर बता दो CaSO4 का, चार्ज कितना है कैटायनिक चार्ज देख लो, टोटल कैटायनिक चार्ज कितना है 2, तो 279/2 ये इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन यूनिट हो जाएगी मोल इनवर्स की जगह इक्विवेलेंट इनवर्स, इस तरीके से निकालना है, बहुत सिंपल है। एक और क्वेश्चन देख लो क्या कह रहे हैं, लैम्डा इक्यू नॉट और लैम्डा एम नॉट निकालना BaCl2 के लिए, लेकिन अब तो मैं जो है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी है, यहां क्या था लैम्डा एम दिया था, अब लैम्डा एम नहीं दिया लैम्डा इक्यू दिया, तो लैम्डा इक्यू मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या होता था कॉलस लॉ का, कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी वो कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगी, वो हम डायरेक्ट ऐसा लिखा करेंगे लैम्डा Ba2+ नॉट प्लस लैम्डा Cl-, कौन सा वाला इक्विवेलेंट है ये, यहां इक्यू लगा देना लैम्डा इक्यू, ठीक है। तो इक्विवेलेंट जब कंडक्टिविटी लिखते हो तो उसमें कोफिशिएंट नहीं आता, बहुत ध्यान से, मोलर कंडक्टिविटी में कोफिशिएंट आता है, इक्विवेलेंट में नहीं आता है, ठीक है। तो लैम्डा इक्यू नॉट Ba2+ का कितना है 63.5 और लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट Cl- का कितना है 76, इसको ऐड कर दो तो आ जाएगा 5639 7613 139.5, यूनिट क्या हो जाएगी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब जरा ध्यान दो लैम्डा इक्यू नॉट से लैम्डा एम नॉट निकालना क्या रिलेशन था, लैम्डा इक्यू नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है BaCl2 पे, Ba+2 मतलब 2, तो ये आ जाएगा लैम्डा एम नॉट बाय 2, तो लैम्डा एम नॉट जो होगा वो आ जाएगा डबल किसका लैम्डा इक्यू नॉट का 139.5, मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ गया सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। तो ध्यान से देख लो क्वेश्चन, अगर लैम्डा एम दिया है तो कैसे करना है, लैम्डा इक्यू दिया है तो कैसे करना है। इसके बाद हम चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ कॉलोस लॉ पे, पहले आप ये नोट कर लो। तो जैसा कि हमने कॉलोस लॉ के बारे में समझ लिया, अब इसके एप्लीकेशन देख लो आप, बहुत ध्यान से देखना।
पहला एप्लीकेशन क्या है कॉर्नवालिस लॉ का, एप्लीकेशन नंबर वन, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको मैं अल्फा बोलूंगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाला जाता है लैम्डा एम एट कॉन्सेंट्रेशन सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरीके से हम अल्फा निकालते हैं। इसको याद रखने के लिए ऐसे रखना है याद, ठीक है, ऐसे उल्टा पढ़ना। ओ सी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो नीचे ओ आता है और ऊपर सी आता है, नॉट नीचे आता और ऊपर सी आता है। ऑब्वियसली सी तो कम होता है, नॉट लिमिटिंग वाला तो ज्यादा होता है। तो अल्फा क्या आता है, वन से कम लाना है हमें, वन से ऊपर तो हो नहीं सकता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ऊपर छोटी वैल्यू रखनी पड़ेगी नीचे बड़ी वैल्यू, तभी अल्फा वन से कम आएगा, ठीक है। दूसरा है टू फाइंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या निकालना है मुझे, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट निकालना है। सपोज मेरे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, तो ए प्लस और बी माइनस में ये ब्रेक हुआ, तो इसका मुझे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट चाहिए। तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट कैसे निकालते हैं अपन, याद करो आयनिक इक्विलिब्रियम में फॉर्मुला होता था K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, और अल्फा को हम निकाल चुके हैं यहां से, तो यहां से अल्फा निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। मैं न्यूमेरिकल करके भी आपको बताऊंगा इसमें, है ना। पहले एप्लीकेशन लिख लेते हैं। तीसरे नंबर का एप्लीकेशन है टू फाइंड सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ऑफ पार्शियल सॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल या पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट का मुझे क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी या उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो कैसे लिखेंगे, सपोज मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है ax by, तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, एक्स ए वाई प्लस वाई बी एक्स माइनस, इस तरीके से ब्रेक करते हो। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एस है तो स्टार्टिंग में तो जीरो जीरो होता है, ये डिस्कार्ड कर देते हैं, ये क्या बनेगा एक्स एस और ये क्या बनेगा वाई एस, सही है, ऐसे करते थे अपन। तो के एस पी कैसे लिखते थे, एक्स एस की पावर एक्स वाई एस की पावर वाई, तो ये आता था एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई और एस की पावर एक्स प्लस वाई। बस मेन मुद्दा यह है कि आप सॉल्युबिलिटी निकालो, इसमें पुट करो तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा। और सॉल्युबिलिटी कैसे निकलेगी, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है, के इनटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे आप यहां पर सॉल्युबिलिटी, याद करो फॉर्मूला। अपन मोलरिटी लिखते थे, मोलरिटी की जगह क्या कर देंगे सॉल्युबिलिटी कर देंगे, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इनटू 1000 बाय एस, ये लगा देंगे अपन, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं आपको न्यूमेरिकल इसमें आपको कैसे करने, पहले इसको नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल देखो कैसे करना है, बहुत आसानी से कर लोगे, आसान है, देखना मुझे क्या निकालना है, अल्फा और के निकालना है। क्या दिया क्वेश्चन पढ़ो, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसेटिक एसिड इज 3.9 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। के और अल्फा निकालना है, लैम्डा एम नॉट हमें दे रखा है 390, तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, नॉट दे रखा है, लैम्डा एम एट कॉन्सेंट्रेशन सी निकाल लेते हैं पहले। तो ये कैसे आएगा, k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m, तो यहां पुट करो k कितना है 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है। k ये हो गया, इंटू 1000 को 10 की पावर 3 लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी को लिख दू 10 की पावर माइनस 2, सही है। अब ये 10 की पावर माइनस 2 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 2 बन जाएगा और 3 प्लस 2 5 होता है, वो इससे उड़ जाएगा पूरा, तो ये बचेगा आपका कितना 3.9 क्या लैम्डा एम सी। अब मैं क्या निकालूंगा, अल्फा निकालूंगा, तो अल्फा कैसे निकलता है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, ठीक है। लैम्डा एम सी कितना है 3.9, लैम्डा एम नॉट कितना है 390, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, अपन एक काम करते हैं, एक काम ये कर लिया जाए कि ये तो पूरा उड़ जाएगा, कैसे देखना ध्यान से, ये पॉइंट हटा रहा हूं, ये लिख रहा हूं 39 अपॉन 3900, ये पॉइंट हटाया नीचे एक जीरो बढ़ाया, ठीक है,
इससे कट गया 100 आ जाएगा नीचे, मतलब 0.01 ये क्या आ गया अल्फा आ गया। ठीक है, अब हम के कैसे निकालते थे याद करो, के इज इक्वल टू आएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी कितना है, सी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 0.01, मतलब 10 की पावर माइनस 2 इंटू अल्फा कितना निकाला 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर अप्रोक्सीमेशन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, क्या 1 के रेस्पेक्ट में ये छोटा है तो इसको उड़ा देंगे, ऊपर क्या बचेगा, इधर तो 1 आ जाएगा नीचे, ऊपर आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6, इस तरीके से हम निकालेंगे। तो आप देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, अल्फा का फॉर्मूला होता था लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, लेकिन मुझे ये नहीं पता था तो पहले मैं ये निकालूंगा। ठीक है, लैम्डा एम सी के इनटू 1000 बाय एम से, यहां से निकाला, यहां से अल्फा निकाल लिया और के का फॉर्मूला लगा दिया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। समझ गया बात को, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हम चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ये भी देख लो सॉल्विबिलिटी वाला, किस तरीके से करना है। क्वेश्चन पढ़ लो, क्या कह रहे हैं, द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दे रखा है Ba3PO4 होल ट्वाइस, इतना दे रखा है इसकी कंडक्टिविटी के, और लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 1200। ठीक है, यूनिट ये केएसपी का, अगर सॉल्ट का ए इंटू 10 की पावर माइनस 25 है तो आपको ए बाय 12 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहला काम मैं क्या करूं सॉल्विबिलिटी निकाल लूं, कैसे निकलती सॉल्विबिलिटी, लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एस। ध्यान रखना जब कभी भी यहां सॉल्विबिलिटी लिखोगे तो यहां लैम्डा एम नॉट लिखा करते हैं। ठीक है, तो लैम्डा एम नॉट कितना आ गया, ये 1200 इज इक्वल टू के कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर क्या माइनस 5 इंटू ये 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय एस। तो यहां से मैं एस निकाल रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं ये पॉइंट हटा दूं, नीचे 10 ले आऊं, 12 से ये कट गया कितना 100 आएगा यहां पर, सही है। और एक काम करो 10 को इधर ले जाओ, 10 को इधर ले जाओगे तो ये बचेगा क्या 1000 बन जाएगा। ठीक है, और 1000 बन जाएगा तो ऐसा दिखेगा 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 5, सही है, 10 को मैं इधर ले गया और 10 की पावर 3 अपॉन एस बचेगा यहां नीचे, तो ये उड़ा दिया तो एस क्या आ गया यहां से 10 की पावर माइनस 5, मतलब सॉल्विबिलिटी मेरी आ गई 10 की पावर माइनस 5। अब ये सॉल्ट जो है Ba3PO4 होल ट्वाइस, इसके लिए KSP और S का रिलेशन लिखो, कैसे लिखोगे, X की पावर X, यहां पर X क्या है 3 और Y क्या है 2 इंटू Y की पावर Y इंटू S की पावर X प्लस Y, यही लिखोगे आप, तो ये आएगा 27 इंटू 4 इंटू S की पावर क्या आ जाएगा 5, सही है। S पुट कर रहा हूं कहां से, यहां से 10 की पावर माइनस 5 जो आया था, तो 27 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इसकी होल पावर क्या है 5, तो ये बन गया 10 की पावर माइनस 25, तो ऐसा लिख दूंगा मैं इसको 10 की पावर माइनस 25। अब आप देखो जरा ध्यान से, इसको इससे कंपेयर कराओ तो आपको ए मिल जाएगा क्या 27 इंटू 4, मुझे क्या निकालना है ए बाय 12, क्या आ जाएगा 27 इंटू 4 बाय 12, इससे कैंसिल कर दो 4 से 12 3 टाइम्स, 3 से ये 9, तो ए बाय 12 की वैल्यू क्या आ गई 9 आंसर है आपका। तो देखो किस तरीके से अपन ने किया, बस ये ध्यान रखना जब यहां सॉल्विबिलिटी रखोगे आप सॉल्ट की तो यहां लैम्डा एम नॉट रख देना, मोलरिटी रखते तो लैम्डा एम लिखते थे क्योंकि उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर आप निकालते हो, लैम्डा एम सी बोल सकते हो उसको, लेकिन अगर सॉल्विबिलिटी है तो लैम्डा एम नॉट रखना है। बहुत ध्यान से फिर से बोल रहा हूं, अगर सॉल्विबिलिटी है तो यहां लैम्डा एम नॉट रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहां से सॉल्विबिलिटी निकाली और सॉल्विबिलिटी का केएसपी के साथ रिलेशन लगा दिया। ठीक, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट एप्लीकेशन और देख लेते हैं इसका। एप्लीकेशन नंबर 4 ये कहता है टू फाइंड लैम्डा एम नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन लैम्डा एम नॉट ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट्स आर गिवन। अगर आपको अदर इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है और किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज मुझे लैम्डा एम नॉट निकालना है CH3COOH का, एसिटिक एसिड का मुझे लैम्डा एम नॉट निकालना है, और आपको गिवन क्या क्या है वो देखो, आपको क्या क्या गिवन है, लैम्डा एम नॉट गिवन है किसका CH3COONA, सही है, यह आपको गिवन है लैम्डा एम नॉट
HCl आपको गिवन है, लैम्डा एम नॉट NaCl आपको गिवन है, ठीक है, ये तीन गिवन है और इसका निकालना है। तो बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसको इसमें कॉलॉस लॉ लगाऊं तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3CO- प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Na+, सही बात है। इसका लिखूंगा लैम्डा एम नॉट ऑफ H+ प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl-, इसका क्या लिखूंगा लैम्डा एम नॉट ऑफ Na+ प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl-, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए तो इसको कैसे लिखोगे, लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3CO- प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ H+, मतलब NaCl एक्स्ट्रा आ रहा है यहां पर, तो उसको हटाना है। अब NaCl कैसे हटेगा, अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं और इसको माइनस कर दूं तो NaCl उड़ जाएगा, ध्यान से देखना। तो लैम्डा एम नॉट CH3COH, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, लैम्डा एम नॉट CH3CONa प्लस लैम्डा एम नॉट HCl, और माइनस कर दूं क्या, लैम्डा एम नॉट NaCl। देखो ध्यान से जरा, NaCl इसमें से कट जाएगा, कैसे, एक बार अपन क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, फाइनल रिलेशन तो आपका ये आ गया, तो आगे जब भी न्यूमेरिकल लगाओगे तो इससे लगा देना। अब इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करना, ध्यान से देखो, मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूं, कैसे, इसको लिखूंगा लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3CO- आयनिक के लिए पूरा लैम्डा लिखते हैं, ठीक है, आयनिक की मोलर कंडक्टिविटी के लिए, प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ क्या Na+, प्लस इसको ब्रेक कर लो, लैम्डा एम नॉट ऑफ क्या H+, प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ क्या Cl-, माइनस इसको ब्रेक कर लो, लैम्डा एम नॉट ऑफ क्या Na+, और माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl-, इससे ये उड़ गया, सही है, और इससे ये उड़ गया, क्या बचा, लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3CO- और लैम्डा एम नॉट ऑफ H+, मतलब यही आ गया। तो इस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर मैं न्यूमेरिकल करके बताता हूं आपको। चलो कॉलरॉस से रिलेटेड दो और न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, एप्लीकेशन नंबर 4 के, बहुत ध्यान से देखना कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ चुके हैं। आपको क्या निकालना है, लैम्डा एम नॉट एसिटिक एसिड का निकालना है, ठीक है, आपको गिवन क्या है, सोडियम एसिटेट HCl और NaCl का गिवन है, तो ये तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा, क्या लैम्डा एम नॉट मुझे क्या चाहिए CH3COH का चाहिए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, लैम्डा एम नॉट क्या सोडियम एसिटेट CH3CONa प्लस लैम्डा एम नॉट किसका HCl का, और माइनस कर दूंगा क्या लैम्डा एम नॉट किसका NaCl का, क्योंकि हमें Na और Cl दोनों ही नहीं चाहिए फाइनल इसमें, तो वो तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो ये क्या लिखेंगे अपन, इसका कितना दिया 91 प्लस HCl का कितना दिया 426 और NaCl का कितना दिया -126, ठीक है, 426 और 126 ये 300 हो जाएगा और 91 ऐड कर दो 391 आ जाएगा, 391 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इस तरीके से बहुत इजी है। एक और क्वेश्चन देख लो कैसे करना है, लैम्डा एम नॉट मुझे BOH होल ट्वाइस का निकालना है, बहुत ध्यान से सुनना क्या करना है, BOH होल ट्वाइस में कितने बी हैं, एक ही बी है ना, अब यहां देखो BaCl2 में एक ही बी है, तो इसको तो ऐसे ही रखना है, इसका मतलब लैम्डा एम नॉट किसका BaOH होल ट्वाइस का जब आप लिखोगे तो वो क्या आएगा, लैम्डा एम नॉट BaCl2 तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, क्यों, एक ही बी है, लेकिन ध्यान से देखो यहां पर क्या हो गया Cl2 आ गए, यहां पर क्या हो गया Cl2 आ गए, जबकि यहां Cl एक ही है, ठीक, लेकिन आपको फाइनल में Cl तो चाहिए नहीं, तो माइनस तो लगाना पड़ेगा, लेकिन Cl2 आ गए ना, डबल माइनस करना पड़ेगा, तो 2 लैम्डा एम नॉट क्या NaCl, सही है ना, क्योंकि यहां से 2 Cl- बाहर निकलेंगे और यहां से भी 2 Cl- बाहर निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाहर, तो Cl हट गया। अब Na कितने हो गए, 2, Na2 हो गए जबकि यहां Na एक ही है, तो इसको क्या करो डबल, और Na भी तो हटाना है, Na चाहिए थोड़ी, Na हटाना है, लेकिन जब आपने यहां माइनस लगा दिया तो अब जब आप Na हटाओगे तो प्लस लगाना पड़ेगा इसमें, तो लैम्डा एम नॉट क्या लिखना पड़ेगा, डबल किसका NaOH का, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो सही लिखा है कि नहीं, कैसे, BaCl2 क्या देगा Ba2+ और 2 Cl-, ये क्या देगा 2 Na+, लेकिन माइनस में 2 Na+ और माइनस 2 Cl-, तो यहां से 2 Cl- कट गए, लेकिन 2 Na+ आ गए नेगेटिव में, तो यहां से प्लस में 2 Na+ आ जाएंगे, तो वो काट देंगे, और BaOH होल ट्वाइस में से OH जो है वो यहां पर प्लस में ऑलरेडी है, ठीक है, मतलब अब मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं, ध्यान से देखना, लैम्डा एम नॉट BaCl2 की कितनी है 280 माइनस 2 इंटू लैम्डा एम नॉट NaCl कितना है 126 प्लस 2 इंटू लैम्डा एम नॉट NaOH कितना है 248, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं क्या आएगा, देखो ये हो गया आपका 280 माइनस 126 इंटू 2 कितना हो जाएगा 252 प्लस
2 × 248 कितना लिख दूं मैं, 250 का डबल होता है 500, 248 है तो 496 ये आ जाएगा, ठीक 496। अच्छा एक काम करो 280 − 252, या फिर एक काम करते हैं 496 और 280 को ऐड करके उसको माइनस कर देते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 496 और 280 ऐड कर दिया कितना आ गया 6, और 9 और 8 कितना हो गया 7, 4 × 2 = 6 = 7, 776। अब 252 इसमें से माइनस कर दो तो ये कितना आ गया 4, ठीक 7 में से 5 गया 2 और 7 में से 2 गया 5, मतलब 524 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ये चीज समझे यहां पर मैंने क्या किया, ये बहुत ध्यान से देखना, एक बार और बता रहा हूं, यहां जो मैंने किया है BaCl2 उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं इस पूरे को, क्या इधर से क्या आएगा Ba2+ और 2 आएंगे Cl-, मैं लैम्डा एम नहीं लिख रहा बार बार, आप समझ जाओ कि वैसे लिखा है Ba2+ 2Cl-, यहां से क्या आएगा बाहर 2 कोफिशिएंट लगा है तो 2 टाइम्स क्या Na+ और माइनस 2 टाइम्स Cl-, क्योंकि बाहर माइनस लगा था, इधर क्या प्लस है तो 2 टाइम्स Na+ आएगा यहां से और प्लस 2 टाइम्स OH- आएगा। ध्यान से देखना आप जरा, बहुत ध्यान से देखना जरा क्या करना है इसमें, ये जो Na+ है इससे कट गया, इससे कट गया क्या बचा Ba2+ और 2OH-, इसका मतलब क्या है कि आपको फाइनल यहां पर आप पहुंच गए, समझ गया बात को, बहुत ध्यान से कैसे लगाना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि हमें जो गिवन इलेक्ट्रोलाइट है जिसके लिए निकालना है वो बनाना है किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। मैंने कैसे सोचा भाई बीए यहां ऑलरेडी है, हमें बीए तो चाहिए ना, तो ये तो मैंने सबसे पहले लिखा। अब जैसे यहां सीएल आया, यहां सीएल नहीं था, यहां ओएच था, तो अब मुझे सीएल हटाना है, लेकिन 2 Cl हटाना है तो मैंने उसके बाद ये लिखा, ठीक। अब बाकी ओएच चाहिए था तो ओएच को तो ऐड करना पड़ेगा ना, डबल चाहिए तो डबल से ऐड करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको सोचना होगा, ठीक है, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।